कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत और बीजेपी की हार से विपक्षी दल उत्साहित हैं। जाहिर है विपक्ष इसे 2024 के आम चुनाव के लिए एक बड़े संकेत के तौर पर देख रहा है और विपक्ष की एकजुटता की कोशिश इसी के साथ तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी के घटक दलों की एक अर्जेंट बैठक बुलाई। इस बैठक में उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान एनसीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने कहा कि कर्नाटक के नतीजों से हम सब उत्साहित हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है, अब हमारे कार्यकर्ता ज्यादा जोश के साथ जनता के बीच जाएंगे। कर्नाटक में जिस तरीके से पराभव तो होता है, लेकिन इतना बड़ा पराभव भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में हुआ है, इसलिए बहुत उत्साहित हमारे तीनों पार्टी और घटक पार्टियों के कार्यकर्ता है और मुझे लगता है कि इससे एक आत्मविश्वास बढ़ गया है और जो गलत महाराष्ट्र में है वो गलत बताने के लिए और बड़ी तादाद में हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। हम जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है वो भी लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आज की जो मीटिंग हुई है वो हिस्टोरिक मीटिंग है। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उस जो नतीजे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है, पूरे देश का अपोजिशन जीता है, पूरे देश का गठबंधन जीता है और कांग्रेस पार्टी के विजय से पूरे देश को एक ऊर्जा मिली है, उसमें महाराष्ट्र भी है। तो महाविकास अघाड़ी की इस अर्जेंट बैठक में क्या और खास हुआ, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा हैं। सोहित, कर्नाटक की जो जीत है कांग्रेस की, उसे विपक्ष अपनी जीत के तौर पर देख रहा है, लेकिन विपक्ष के सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले वो एकजुट हो पाएगा, क्या एक सीट पर एक उम्मीदवार की ओर आगे बढ़ेगा और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। तो तमाम बड़े सवाल अभी हैं और उससे पहले राज्यों के अलग अलग इक्वेशन हैं, 6 और राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, विपक्षी दल इन राज्यों में आपस में भिड़े हुए हैं, तो बड़ी मुश्किल रहा है अभी विपक्षी एकता की। लेकिन लगता है कि महाराष्ट्र से कुछ रास्ता अब निकल रहा है, जहां कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी ये कुछ एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। इनकी एकजुटता क्या आपको लगता है कि बाकी देश में आगे बढ़ेगी और दलों को प्रेरित करेगी? इसीलिए आज की जो बैठक थी वो इसीलिए की गई कि जो सीट शेयरिंग है या अलग अलग मुद्दे हैं उसे लेकर कम से कम चर्चा शुरू की जाए। अब लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, उसके लिए लगभग 1 साल का समय बचा है और इसलिए आज जो ये महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई, इसमें यही चर्चा की गई कि आगे की राह किस तरह से ली जाए। अगर आप देखें तो एक तरीके से विपक्ष को साथ में लाने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि अभी चर्चा खत्म नहीं हुई है, आज केवल चर्चाओं का शुरुआत किया गया है। लेकिन इसके बावजूद कोशिश ये है बताने की कि विपक्ष एकजुट है और कहीं ना कहीं जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने देखा कि तीन पार्टियां साथ में आकर अगर बीजेपी से लड़ती हैं, वो चाहे कोई भी उपचुनाव हो, तो उसमें उन्हें काफी जगहों पर जीत मिली है। तो यही फॉर्मूला आगे किस तरह ले जाया जाए, इसे लेकर चर्चा की गई। रही बात विपक्षी एकता की, तो चाहे एनसीपी के प्रमुख शरद पवार हों या फिर उद्धव ठाकरे हों, हमने देखा किस तरह से बीच में अरविंद केजरीवाल से उद्धव ठाकरे मिले थे, आज आदित्य ठाकरे जाकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिले, बीच में नीतीश कुमार मुंबई आए थे या इससे पहले शरद पवार जो अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, तो इसके जरिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश इन सभी नेताओं की ओर से की जा रही है। फिर ऐसे में महाराष्ट्र के जरिए या महाविकास आघाड़ी के जरिए देश भर में क्या कुछ किया जा सकता है या किस तरह से विपक्ष को साथ में लाया जा सकता है, इसका एक उदाहरण देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी साथ में आ सकते हैं, जो हमने 2019 में देखा, और उन्हें लगता है कि ये फॉर्मूला उनके लिए फायदेमंद भी रहा है, वो सरकार में आए थे जबकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, तो ऐसे में इसे आगे किस तरह से ले जाया जाए वो काफी अहम हो जाता है और इसलिए ये बैठक की गई। और इसके जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जैसे कि मैंने कहा, आगे बहुत सारी बैठकें होनी हैं, आज केवल शुरुआत हुई है, लेकिन इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि किस तरह से चीजों को आगे ले जाया जाना चाहिए। हालांकि नेतृत्व कौन करेगा ये एक अहम सवाल है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ और पार्टियां हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है, लेकिन कम से कम इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हुई है और महाविकास आघाड़ी के नेता कर रहे हैं,
ये आज के कम बैठक से समझा जा सकता है। जी शुक्रिया सोहित। और शरद पवार जिस बड़े कद के नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो एक बड़े भूमिकाएं निभा चुके हैं, इससे पहले भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, और उनका ये कद हो सकता है विपक्ष को एकजुट करने में काफी काम आए। पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उनको मान मनुहार के बाद वापस उस फैसले को वापस लेने के लिए कहा गया, वो माने भी, उससे उनका कद एक बार फिर और निखर कर सामने आया। और निश्चित ही ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शरद पवार इस नई ताकत का इस्तेमाल विपक्ष में नया जोश भरने में करेंगे और महाराष्ट्र से जो एकता की कोशिशें हैं वो देश में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार अपनी तरफ से पहले ही एक शुरुआत कर चुके हैं और तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, तो देखना काफी दिलचस्प रहेगा। इस राज्य के अंत, इस साल के अंत में भी कई राज्यों में चुनाव हैं जहां विपक्षी पार्टियां एक दूसरे से लगातार भिड़ी हुई हैं, वहां देखना है किस तरह की एकता सामने आती है और फिर उसके बाद 2024 में वो एकता किस तरफ बढ़ती है।